Assalamualaikum everyone. Hope so you are doing great. And this is me, Sana Nasir Sheikh from the Academy Group. और आज हम नए सेगमेंट के साथ आए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट. आर्ट एंड क्राफ्ट में सिर्फ ये नहीं है कि हमने जस्ट आर्ट की बात करनी है या ड्राइंग की बात करनी है. इसमें बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे. और इसके अलावा आपको ट्यूटोरियल्स भी देंगे, वो सब मदद तैयार हो जाए फॉर द अपकमिंग डेज. जो अब हमारे साथ आज इरम अंसारी भी मौजूद है. अब पहले तो बात करेंगे हम इंसारी, वेलकम टू बोर्ड. दिस इज अवर फर्स्ट एपिसोड ऑन दिस स्कैरी अमी. और जो हमने ये मदर्स के लिए सेशन स्टार्ट किया है, होपफुली ये हमारे लिए फ्रूटफुल भी होगा सबके लिए, क्योंकि इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. और इसमें एक वैरायटी है, डायमेंशन, वेरियस वर्जन है. निटिंग भी है, क्रॉचेट वर्क भी है, इसमें आपको सॉइंग का भी बताएंगे, सिलाई कढ़ाई जो होती है. लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सी मदर हमें ज्वाइन करना चाहती है. और जी, वेलकम टू बोर्ड इरम अंसारी, हाउ आर यू? Thank you. I'm fine. Thank you for inviting me here. इंट्रोडक्शन कराएं कि आज जो आप हमें सिखाने जा रहे हो प्रोफेशनली, आपका इसमें कितना एक्सपर्टीज है, आपने क्या किया हुआ, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमें. ओके, मैं सिखाने जा रही हूँ फ्लावर अरेंजमेंट. आई लर्न इट फ्रॉम द मास्टर जिनसे मैंने सीखा था. वो पाकिस्तान इकेबाना एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने मुझे सिखाई थी. और मैं जो आज सीखा करूँगी, टुडे व्हाट आई एम टीचिंग इज द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, बट आई एम गोइंग अगेंस्ट कन्वेंशनल. मैं कन्वेंशनल पे नहीं जा रही, मैं बिल्कुल अनकन्वेंशनल सी ही एक बनाऊंगी. यूजली क्रेसेंट शेप होती है, मैं इन्वर्टेड क्रेसेंट जो कि अनकन्वेंशनल है उस पर लेके जाऊंगी. लाइन्स वही हैं, सब कुछ वही है, रूल्स भी वही हैं. बिल्कुल सही हो गया. अच्छा जी, आपने बताया कि आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है, यू आर सर्टिफाइड. अच्छा, आपका जो एजुकेशन है वो I did a course western style के और and a little bit on the ikebana style. ikebana में जो elements हैं उनका. अच्छा सही. अच्छा जी, अगर हमें आपकी ये ट्यूटोरियल्स के हवाले से, आज हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल जा रहा है, तो आप तो बताओ कि आज आप हमें क्या बताना, मतलब बनाना बताओगे लाइफ में, हमारी ऑडियंस को किस तरह से वो चीजें घर में आराम से मिल जाएंगी जो आप बताओगे. मैं बिल्कुल फ्लावर, द बेस्ट थिंग अबाउट फ्लावर अरेंजमेंट इज के वॉजेस आपके घर से निकल आते हैं. और आजकल जो मॉडर्न स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है उसमें तो सबसे बेस्ट बात यह है कि आप अपना खुद ही वॉज भी बना सकते हो, कंटेनर्स भी बना सकते हो किसी भी चीज़ का. और फ्लावर्स में जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है उसमें द लेस इज मोर, बिकॉज सिटीज लाइक कराची एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनमें पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है. पानी की प्रॉब्लम होती है तो मटेरियल्स की कमी होती है. तो पहले तो ये होता था कि सिर्फ आप प्लांट मटीरियल ही डाल सकते थे. अब हम लोग जो है ना रिसाइकल मटीरियल्स भी डाल सकते हैं, प्लास्टिक मटीरियल्स कुछ और भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अमेजिंग चीज़ें बनती हैं. सो टुडे दीज इज द ट्रेंड इज लेस इज मोर, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो मोर इज मोर, क्योंकि मुझे तो फ्लावर्स बहुत पसंद है. एंड आई एम डूइंग इट इन द सिल्क फ्लावर मीडियम. मैं रियल लाइफ फ्लावर नहीं बना रही, क्योंकि रियल लाइफ फ्लावर्स को आपको प्रॉपर कंडीशन करें वो वरना मर जाते हैं. ये आप रखें 4-5 months रह सकते हैं, निकालें आप इनको धो के रिवैम्प नए स्टाइल में कर दें और इसमें आप जितने मर्जी इस्तेमाल करें, उसमें आपको ये इशू नहीं है कि आपके पास फॉलेज की कमी है. सही. चलिए फिर हम स्टार्ट करें. आज हमें बताएं कि कौन कौन सा सामान इसमें यूज होगा और आराम से ये मार्केट में मिल जाता है, ये कोई हमें स्पेशल इसकी मार्केट है जहाँ से ये सामान लेना होता है, सामान क्या है इसमें जो यूज होगा अरेंजमेंट. अच्छा, मैं अपना ही वॉज लेके आई हूँ. दिस इज माई वॉज, आई कैन शो यू दिस वॉज. दिस वॉज इज लाइक ये वाला वॉज है, इस तरह के आपको मिलते हैं. 2 मिनट में जरा अपना साइट आपको ठीक कर सकते हैं ताकि आपको नजर सही आए. मैंने पहले वो करके रखा था. आप कैमरा डायरेक्शन आप चेंज कर सकती हैं, बेशक कैमरा डाउन कर दें या जिस तरह भी आपको सूटेबल लगता है ना, इजी लगता है ट्यूटोरियल दिखाने के लिए, नीचे कर सकते हैं. जी कैमरा डाउन ट्यूटोरियल पर मुझे. जी जी बिल्कुल, नीचे कर लें, कोई मसला नहीं है. कैमरा कर दें ताकि दूर से हमें नजर आ जाए कि पूरा वॉल है. मैं अपने इसको बढ़ा देती हूँ ताकि आपको. अब सही, अब हमें बिल्कुल सब नजर आ रहा है, ये सही. सो यू सी दिस इज माय बेसिक वॉल.
वॉज नीचे से मैंने आपको दिखा दिया, अब ऊपर से मैं करती हूँ ताकि इसके ऊपर ये फ्लोरल फोम है, ये मैंने चिपका दिया है, इट्स बीन हॉट ग्लूड, इसको ग्लू कर दिया ताकि ये हिले नहीं। आपके जितने मैकेनिक स्ट्रांग होते हैं ना, आपकी फ्लावर अरेंजमेंट नहीं होती, क्योंकि इसको मैं अब ऊपर नीचे करूंगी, कुछ भी करूंगी, ये हिलेगा नहीं। वरना यूजुअली इट हैपेंस कि जब आपकी वो होती है डस्टिंग होती है, आप हिलाते जुलाते हैं तो वो अरेंजमेंट में वो हो जाती है खराब। ये बिल्कुल सिक्योर्ड अरेंजमेंट होगी, फ्लोरल फॉर्म होता है, वैसे इसको ओएसिस कहते हैं। ड्राई फ्लावर का भी होता है, वो ग्रे रंग का होता है। मैं ये चीज़ इसलिए स्पेशली की है ताकि ये हर जगह, ये हर फ्लोरिस्ट के पास, ये हर जहाँ फूल मिलते हैं ना, ये ओएसिस अवेलेबल है। मैंने वो आइटम रखा है जो कि अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल आइटम मेरे पास होता है। आई हैव ड्राई ओएसिस, मेरे से जब मेरी ट्यूटोरियल्स लेते हैं तो मेरे से वो लोग मांगते हैं, तो जब वो मेरे से मांगते हैं ना तो फिर मैं उनको मंगवा देती होती हूँ वही प्राइस, क्योंकि आता वो है 20 के बॉक्स में आता है, वो एक नहीं सिंगल मिलता, तो वो हम दे देते हैं। सही। अवेलेबल इन एवरी मार्केट, मैं लाहौर से हूँ तो लाहौर में आपको मैं जहाँ से लेती हूँ, मैंने सुना है शालम में बहुत अच्छे मिलते हैं, मैं इधर से लेती हूँ, एच ब्लॉक में रहती हूँ तो एच ब्लॉक में जरा एक्सपेंसिव मिलते हैं, वरना इश्रे की साइट में सस्ते मिलते हैं। फ्लावर्स मैंने वो यूज किए हैं जो हर जगह अवेलेबल है। सही, बिल्कुल ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम जब भी बनाते हैं, हमने जब भी कोई चीज बनानी होती है, हम उसकी लाइन जरूर अच्छा बनाते हैं। हमारे पास जो मैकेनिक्स, दिस इज माई वॉज, दिस इज उसके ऊपर मुझे जो चीज चाहिए होगी, ये मेरा कटर है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे मैं फ्लावर कट करती हूँ। सिजर भी कभी कभी ज़रूरी है चाहिए होती है। वायर, आज मेरे पास वायर का काम नहीं है, वायर के साथ टूल्स जो आपको हमेशा चाहिए होते हैं। सही। फिर मैं जो हूँ कलर्स इसके साथ, क्योंकि ये येलो कलर है, सो मैं बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं जाऊँगी, मुझे कन्वेंशनल बिल्कुल नहीं पसंद है। आई एम गोइंग टू गो कंट्रास्टिंग एंड आई एम कंट्रास्टिंग इट विद दीज, ये मेरे मेन फ्लावर्स हैं, दीज आर माय मेन फ्लावर्स, ओके। और ये उनके साथ मेरे जो होते हैं, हम आपके जो मेन होते हैं फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट मेरा इन फ्लावर्स का है, आपको नजर आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, जी जी बिल्कुल आ रहे हैं। एंड दीज आर जो ये इसके साथ जो उनको सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग लाइंस के लिए होंगे। और ठीक हो गया। उसके साथ मैंने जो फोलिएज भी लिया है ना, फोलिएज होता है, फिलर्स होते हैं, फिलर्स मेरे वो होते हैं, और ये जो फोलिएज है वो भी मैंने लिया, जिसके अंदर ये पर्पल पर्पल्स आपको आ रहा है, बिकॉज मुझे ना इसको पर्पल्स के साथ, येलोज के साथ पर्पल्स में उठाना है, और फिलर्स में मैं पिंक्स थोड़ा सा लेके आई हूँ टू एड अ लिटिल कलर टू इट, डायमेंशन और कलर करने के लिए। तो ये इतने सारे इस्तेमाल भी नहीं होंगे, ये इतना बड़ा नहीं है, तो शैल आई स्टार्ट कर लूं बनाना? श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, स्टार्ट विद, बिल्कुल हमेशा से हमारे लाइंस होते हैं, लाइंस डिफाइन करनी होती हैं। लाइंस सबसे पहले जो लाइन बनाने थे ना, उसके लिए मैंने ये लिया है, आई एम यूजिंग दीज फॉर लाइंस, लाइंस। और ये जो ये लाइंस है ना, इसके लिए ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं इसको पूरा बाइंड कर दूंगी, मुझे जो है ना इसको इसके साथ यहाँ लेके आना है इधर तक, तो मुझे ये इसको बेंड करना है, कर्व करना है, तो मैं इसको अपने डायरेक्शन में कर्व कर दूंगी। आई एम कटिंग इट, तो आपके सामने ही कट करूंगी, ये पूरी ब्रांच है मेरे पास, आपके सामने ही करूंगी कट। इसका रीजन ये है ताकि आपको बता सकूं कि ये मुझे इतना चाहिए, इधर तक चाहिए, दिस हाइट मुझे पूरे उसके लिए नहीं चाहिए, तो मैं इतना ही काटूंगी और फिर उसको बेंड कर दूंगी ताकि मुझे मेरी पसंद का वो शेप मिले। When doing it with the real flowers, आपको मिलते हैं real flowers में आपको ढूंढने पड़ते हैं, ये फिर आप जो ये बनाते हैं, lines बनाते हैं, आप इससे palm tree उससे बना सकते हैं, अमेरिकन पाम है उसको, वो मिल जाता है, कर्व्ड होता है बाय नेचर, साइकस पाम होता है बाय नेचर कर्व्ड होता है, उसी को हम फिर लाइन्स में यूज करते हैं। तो देखिए मैंने इधर से वो किया और ऑलमोस्ट उतने ही डिस्टेंस पे उतना ही मैं कर्व ले जाके कोशिश मैं करूँगी कि मेरे बिल्कुल इसके इसके साथ कर्व हो, कि मुझे इसको उसके साथ कर्व पे लेके जाना है।
मैं ये मेंटली ऑल्दो वहां इट से मे लुक डॉक्टर ब्यूटीफुल, पिक्चर थोड़ा सा किसी स्क्रीन में डिस्टर्बिंग है दिखेगी? जी। अप्रोक्सीमेटली ये जी स्ट्रेंथ सना, कितनी यू होनी वर सेइंग चाहिए? आई एम आस्किंग स्टाफ अबाउट का, द ये देखिए स्ट्रेंथ। जी, स्ट्रिंग की लेंथ का मैं पूछ रही हूँ, ये कितनी होनी आपका वॉस, चाहिए? दिस इज योर वॉस, वॉस के 1/3 पे हमारा होना चाहिए। ठीक है, और आपकी सही है। ऊपर भी जो जाती है ना मेजरमेंट, ये वाला इधर मैक्सिमम इसकी हाइट अराउंड 2 इंच से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ ड्रूपिंग सही है। है। अगर ये ऊपर की तरफ होता तो देन 1/3 मैक्सिमम हाइट लेके जाते हैं। अच्छा, सही होगा। मेजरमेंट्स काउंट्स मतलब बिल्कुल वो हो जाता है, उसमें फिर खूबसूरती नहीं आती। मैं फिलर्स में लाइन एलिमेंट के लिए ये भी यूज कर रही हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये इनको कर्व करना मुश्किल होता है। आई एम गोइंग टू सही। यूज दम फॉर माय, मैं इसीलिए केन के लेके आई हूँ, ढूंढ के इसीलिए लेके आई हूँ। और मैं आपको, क्योंकि मेरा है ही कर्व का वो ट्यूटोरियल, ये आपकी लाइंस हैं एंड दीज लाइंस, अगर आप ये देखें तो ये पूरा ये एक चांद बनता है। इन लाइंस को अगर आप गौर से देखें, इसलिए इस अरेंजमेंट को कहते हैं इन्वर्टेड क्रेसेंट, उल्टा चांद। ठीक हो गया। अनदर लाइन बस बनाने के बाद विल स्टार्ट विद फ्रॉम द मेन। ये बहुत आसान है और ये इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं अरेंजमेंट है, अच्छा, आम जो डोमेस्टिक लेडीज हैं वो भी कर सकती हैं ना इसको आराम ये से, सब अपने कर सकते हैं। आई डाइनिंग मीन टेबल ये पे सब कर कर सकते सकते हैं हैं, या इस एवरीबडी कैन हैव दिस लाइक अरेंजमेंट एट देयर होम। इस तरह के वॉजेस, इस शेप के वॉजेस मिलते हैं, वरना हर एक के घर में सुराही मटके स्टाइल के होते हैं। बहुत खूबसूरत वो वॉजेस बनते हैं, ट्रस्ट मी, दोस मटका, दोस सुराही, दे लुक सो नाइस। यूज योर इमेजिनेशन, यूज इट। अच्छा, कोई अगर आप, इफ यू फीलिंग कि आपका बिल्कुल लाइंस भी नहीं जा रहा है, वो आखिर में आपके फ्लावर्स के साथ भी सेट हो जाएगा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने सिर्फ क्रेसेंट की शेप देनी है। यूजुअली कि मैं तो ये कर रही हूँ ना आपके साथ, इसको मैं शेप अप कर सकती हूँ। रियल फ्लावर्स को आप इस तरह नहीं कर सकते, स्टेम को आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, कुछ स्टेम हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। दिस इज माई मेन। अब मैं मेन फोकस पॉइंट बनाऊंगी, मैंने अपनी लाइंस क्रिएट कर ली है। आपका कैमरे के साइड पे आया है, थोड़ा सा फोकस कर दें इसको प्लीज, जो अभी आपने फ्लावर दिखाया अपना, ये ये है पेन फ्लावर, ये नजर आ रही है। ओके, दिस वन, सही। दिस वन, ये बड़ा है तो इसकी मैं जरा कट कर लूंगी। आई कट इट, अभी आई यूज दिस कटर, दिस इज द कटर, वायर कटर। आई एम जी, जस्ट तो गोइंग टू बाय गाइड कटर इट प्लीज लाइक आप दिस। लिफ्ट में करके दिखाएं, कैमरे के सामने आपका ये साइड पे आ रहा है, कैमरे के ओके, सामने आ रहा है। ये है कैमरा, ये जी देखिए ये वायर है, ये स्टेम है। मुझे थोड़ी सी स्टेम चाहिए, मुझे ज्यादा बड़ी स्टेम नहीं चाहिए, सही। क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा नहीं है। और मैंने प्री कट करके भी रखे हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ चीजें प्री कट करके रखी हैं। ज्यादा मैंने प्री कट इसलिए नहीं की, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो कि आप, उसके बाद आई हैव दिस सीजर, ये मेरी सिर्फ फ्लावर्स की सीजर है, एक सेकेटियर भी होता है, वो फ्रेश फ्लावर्स का होता है, उससे मैंने ये काट लिया है स्टेम फॉर माई नीड। अच्छा जी, एक दफा पॉट दिखा दें, हमारे ऑडियंस में से किसी की फरमाइश है कि एक दफा आप पॉट दिखा दें किस तरह से आपने लिया हुआ है। जी, ये पॉट की शेप है, ये आप देख सकते हो। तो ये पॉट वैसे ही इतना खूबसूरत है, तो फिर अब ये जब डेकोर हो जाएगा तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। अब हमने, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल फ्रंट है ना, सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फ्रंट और मैं फ्रंट पे लगाऊंगी इसको। अच्छा जी, हमें ये बताएं कि इसमें इस तरह के पॉट्स हम कहाँ से ले सकते हैं, जस्ट अगर हमें पॉट्स लेने हो तो। हैबिट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, हर रूम्स में बहुत प्यारे पॉट्स मिलते हैं और अच्छा, वो इकोनॉमिकल प्राइस कहाँ से ले सकते हैं, बिकॉज यू नो हरून्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप हैबिट की बात करें, उनके भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज आई यूज टू टू बाय द टाइम्स, वहां से मैंने हैबिट से लिया था, तो वो ही काफी एक्सपेंसिव था।
तो अगर इकोनॉमिकल प्राइस में लेना चाहें तो हम कहाँ से ले सकते हैं? इकोनॉमिकल आपको इचरा बहुत बेस्ट प्लेस है, उसमें जो है उस्मान बाजार, इट्स ब्यूटीफुल, दे कैन हैव ब्यूटीफुल स्टफ। ओके, सही। नाउ दिस इज हारून टू होम, और ये आप जिनकी शॉप्स के आपने नाम बताया ना, ये सब की हाँ स्पॉन्सर उस्मान बाजार है इचरा में, बहुत अच्छा है। जी। और लाहौर में अगर आप है ना तो शालम इज द बेस्ट प्लेस, शालम में पूरा बाजार है एंड दे हैव पूरे लाहौर में, पाकिस्तान में उधर से हाँ जी जाते वो हैं तो लोग, बिल्कुल है जी, शालम इज द वो बेस्ट होलसेल प्लेस। और मार्केट है ना मतलब सारी, सब ऑनलाइन भी होते वहां से हैं बहुत होलसेल सारे, होता है। आप उनसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, यू डोंट इवन हैव टू गो देयर, वहां जाना बहुत मुश्किल है। मैं कभी भी नहीं गई हूँ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ज्यादातर लोग ला के देते, मेरे जानने वाले हैं मुझे ला देते थे मेरा, सो आई नो अबाउट इट। ओके ओके फाइन, नाउ नोट डाउन गाइस, ये उस्मान बाजार है लाहौर में, आप वहां से ले सकते हो। शहालमी में आपने बताया ना, हाँ नहीं मुझे वो उसमें है इचवे में, उस्मान बाजार इचवे में, उस्मान बाजार ठीक इचवे है, में इच्छा है, में वहाँ सही। बेडशीट्स वगैरह होती हैं, एक दो दुकानें और डेकोरेशन स्टाफ है उनके पास जाएं, दे हैव वैरायटीज ऑफ वहां पे तो पजल्स। बहुत ज्यादा चीजें हैं, बिल्कुल हाँ सही सही, बाकी मतलब मैं वहां पे आपको बताऊँ, शहर हो गया, इवन आप वॉजेस उत्सव बाहर से हो ना गया। भी लें, मेक योर ओन वॉजेस सीरियसली, अगर कभी हुआ ना मैं आपको इवन कंटेनर्स बनाना सिखा दूंगी, यू कैन मेक देम फ्रॉम ऑर्डिनरी ठीक स्टफ। आपने कभी है इसकी पाम की छाल देखी हो, उससे बन जाता है जी बहुत जी प्यारा वॉज, और उससे अरेंजमेंट होती है। सो इवन आपके अक्सर ऐसा होता है कि ग्लासेस टूट जाते हैं ना खूबसूरत वाले, एक दो रह जाते हैं, उनके कंटेनर्स बड़े प्यारे बनते हैं आपस में जोड़ के, जी चलिए, हम क्योंकि जो अपकमिंग मेरी सेशन जो क्लासेस होती है हमारे ना हैं, उसमें मैं हम लोग वी क्रिएट आवर ओन कंटेनर्स एज वेल। आई हैव दिस, मैं फ्री टाइम पे सही। क्राफ्टिंग की जी क्लासेस करती हूँ, इट्स नॉट अबाउट फ्लावर अरेंजमेंट एज वेल, हम लोग बहुत थ्री डायमेंशनल उस पे लेके जाते हैं, हम कैनवस के ऊपर अरेंजमेंट करते हैं 3D, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म की हमारी। सही, मतलब एक क्रिएटिविटी है, आप उसको जैसे भी अपने स्किल को शो कर लें, जहां आपका इंटरेस्ट है। हाँ जी अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आ चुकी है, शो योर मोर वॉजेज एंड प्लांट्स सेटिंग इन पिक्चर्स फ्रॉम अंडर योर वीडियो थ्रेड। अच्छा एक चीज है, वीडियो थ्रेड के नीचे तो पिक्चर्स इनकी नहीं आएंगी, अगर आपका कोई पेज है या इस तरह से तो आप बता सकते हो कि जहाँ पे ये आपके ट्यूटोरियल्स देख सके, आपका जो फ्लावर अरेंजमेंट पहले वाला है वो देख सके। ओके, इरम आर्ट बॉक्स है, इरम आर्ट बॉक्स है, इसी में फेसबुक ठीक में है, है। वीडियो एज अच्छा जितनी सही। अच्छी अच्छा आपकी है उतनी नहीं होगी, आफ्टर क्योंकि द सेशन मैं इंशाल्लाह वीडियोस में इसका इतनी रिकॉर्डिंग अच्छी हूँ। वो पिन कर, और दूसरा ये कि मेरे ना अच्छा एक्चुअली क्राफ्ट का सही है, आर्ट बॉक्स इज ऑल अबाउट क्राफ्टिंग, तो मेरे जो क्राफ्टर्स है ना वो आते हैं, तो हम जब अपनी क्राफ्टिंग करते हैं तो उसकी वीडियोस होती हैं, जो कि इधर पब्लिक में नहीं शेयर करते, वो जिन्होंने जैसे कोई चीज़ सीखना होता है ना वो चीज़ उसकी वो वीडियो शेयर कर देते हैं उनसे, उनको वो कर देते हैं, वो पेड कंटेंट होते हैं तो वो मेरे पेज में नहीं है, बट लेकिन बहुत सारी चीजें सही। पेज में भी हैं, आप उसको भी देख लीजिए। और ठीक, चलिए जी, अब मैं आर्ट सेशन के बॉक्स बाद इंशाल्लाह मैं आपका पेज पिन कर दूंगी। जी सेशन के ओके, बाद इंशाल्लाह मेरे आपका मेन पेज पिन क्लासेस कर हो गए, दूंगी, तो मेरी बहुत से लाइंस लोगों हो को गई देख हैं, सकते। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब मैं इसमें फिलर्स ठीक करती है, हूँ, फिलर्स में मैं थोड़ा सा डिफरेंट शेड डाल रही हूँ, पिंक्स कर रही हूँ, क्योंकि दिस इज ऑल पर्पल्स एंड ग्रीन्स, अब इसमें हल्का सा पिंक डाल के ना इसके सपोर्टिंग फ्लावर्स ये वाले भी हैं, ये भी लगा देंगे, सही पहले होगा। सपोर्टिंग फ्लावर्स लगा देते ना, सो दैट हमने अब इस लेंथ से आगे नहीं जाना, मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगी, पीछे से भी इसको करना होता है, आई गो लाइक इसको इन्वर्ट फ्लिप करेंगे और हम पीछे की साइड पे भी आएंगे, ठीक है, वो फिर आप वॉच टर्न कर क्योंकि आपकी जो दीजिएगा ना। अरेंजमेंट होती है आपने उसको पीछे से भी वो करना होता है, आपने उसको खाली आगे से नहीं करना होता कि वो आगे से ही नजर आए उसका स्टैटिक, देखिए मैंने थ्री इसको विद इन द लाइंस आपने जाना है, और मैं ऊपर से भी आपको फ्लिप करके दिखाऊंगी,
सही मुझे ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इधर ही बहुत ज्यादा वो है। पिलर्स हमेशा आखिर में करते हैं, और बीच में ना ग्रीनरीज भी होती हैं, फॉलीज के लगता है, मैं फॉलीज की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये ड्यूरेबल कितने अच्छे के लिए है, मतलब अगर आप इसको ड्राइंग रूम में रखने हैं या डाइनिंग टेबल पर रखने हैं तो कितनी देर तक ये सही रहते हैं? ये 6 months बहुत आसानी से, क्योंकि 6 months बाद पाकिस्तान ऐसा है कि उसमें डस्ट बहुत अक्रू होती है। आप निकालें, आप उसकी नया स्टाइल बना लें। मैं तो हमेशा दूसरा स्टाइल पे ही था। और सबसे मजे की बात यह है, इससे फ्लावर्स है, इनको आप थोड़ा सा सर्फ का पानी लें, उसमें यूं यूं करके डिप करें और ये बिल्कुल उतर जाते हैं इसके अंदर से जो डस्ट होती है। इसको ड्राई करें, यूज लें, मतलब 2 से 3 times हो जाते हैं, फिर इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट मैं बना रही हूँ, इसको मैं चाहूँ तो मैं पूरे, जैसे मेरे घर में जो सीजन आते हैं ना, जैसे इसका ईद आई वगैरह, तो मैं बिल्कुल नए बनाती हूँ, देन फिर पुराने उतार देती हूँ। हर ईद पे मेरे घर में नए बनते हैं, नए डलते हैं। रमजान में इवन इसकी भी ट्रॉलीज की भी बनती हैं, उसकी भी ट्यूटोरियल्स होते हैं। सही है, जिस तरह ईद मिलादुल नबी हो गया, या इस तरह से आप जो भी मतलब करना चाहो। हाँ, बिल्कुल, आपके घर में मिलाद है, आप अपने घर में बना के रखे थे और ये फिर उसके बाद बने रहते हैं, खूबसूरत लगते हैं। सही। और जैसे एक होती है अरेंजमेंट, उसमें आप कैंडल्स भी डाल सकते हैं वगैरह। लेकिन आप कैंडल में रख सकते हैं, जो बीच में होलो स्पेस है इसके बीच में कैंडल आ सकती है क्या, क्या रख सकते हैं इसमें? इसके ये वॉज ऐसा नहीं है, मतलब कैंडल वाले वॉजेस दूसरे होते हैं, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, इसमें डाल सकते हैं। अगर तो आपकी कैंडल वैक्स वाली है ना, तो उसके अंदर 7 sticks होती हैं या टूथपिक्स, उसको इंसर्ट करके इसके ऊपर अंडर फ्लोरल फॉर्म में डालते हैं, वो बिल्कुल स्टैंड इरेक्ट रहती है। जो दूसरी LED वाली होती है उनको आप ग्लू करते हैं, LED वाली होती है वो ग्लू ना भी करें। अब तो रिमोट LED आई है हमारे पास, रिमोट कंट्रोल LED, उनको हम ग्लू करते हैं, दूसरे वालों को नहीं करते। तो अब नाउ वी विल गो टुवर्ड्स, अच्छा इरम, इसमें कितनी देर लगती है इस सारे अरेंजमेंट में? आप तो चलो ट्यूटोरियल दे रहे हैं, अगर हम बीइंग अ इंडिपेंडेंट पर्सन इस चीज को बनाएं तो कितनी देर लगेगी बनाने में? 30 to 40 minutes लगेंगे इसको बनाने में। अगर आप मैंने आपके सामने चीजें कट की हैं, मैंने इवन आई डिड प्री कट, मेरा पहले इरादा था कि मैं प्री कट करूं, तो उसमें फिर आपको टाइम बहुत सेव हो जाता है। लेकिन मैं एक्चुअली आई वांटेड टू शो के मैंने कितनी लेंथ ली है, कितनी वो ली है, क्योंकि जो प्रॉपर आता है, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप ना, लोगों की जो बेसिक मिस्टेक होती है वो यही होती है कि वो उसकी मैश, जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा था कि कितना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसमें आप बड़े छोटा बॉक्स कोई भी ले सकते हैं डेकोरेशन के लिए, आप इस डिपेंड ऑन यू, हाँ कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगी, बैक साइड को हम यूजुअली फिल कर देते हैं। अब ये देखिए, ये मेरी अगर ये फ्रंट साइड है ना, इट इज लुकिंग लाइक दिस, मैं बैक साइड को फिल करूंगी आपके सामने, बैक साइड इस तरह नजर आ रहा है। आप अगर इस तरह रखते हैं ना, इट वोंट लुक ब्यूटीफुल, आपका बैक साइड ट्रेडिशनल अरेंजमेंट्स होती है ना, उसमें हमेशा बैक साइड को छुपाया जाता है। आजकल जो कन्वेंशनल है वो सिर्फ फ्रंट फ्रंट की होती है। आई एम गोइंग टू शो यू द ट्रेडिशनल वे, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल वे पसंद है। ये फोलियज होता है, फोलियज हम लोग लेते ही इसीलिए है फोलियज के आप उसको फिल कर सके, फिलर्स होते हैं। सही, ये फिलर्स के तौर पे यूज होता है, सही होगा। हाँ, इसे आपने छुपाना होता है अपनी बैक साइड भी, और एंड दे लुक ब्यूटीफुल। मैं पीछे भी अपने एक दो फ्लावर्स जरूर लगाऊंगी, मुझे पसंद है, क्योंकि जब आप उसको 3 dimensional में देखते हैं ना, तो उसमें अच्छा, और क्योंकि अब ये मेरे सामने आया ना, तो मुझे इसमें से गैप्स भी नजर आ रहे हैं, गैप्स भी फिल करेंगे।
क्योंकि एट द एंड में आपको पूरा ऊपर नीचे से, डोंट वरी अगर आपको ये लग रहा है, नहीं नहीं आप पीछे से आगे से नहीं अच्छा लग रहा उसको, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट आप टेबल के ऊपर करें और आपका थोड़ा डिस्टेंस हो ताकि ये दूर से हमें सारा नजर आए। अभी भी पूरा नजर आ रहा है लेकिन जो है ना बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट है। अब आप जी आप थोड़ा और नीचे करें वॉच पर ताकि जो देखने वाला है वो इमेज पूरा हमारा आए। थोड़ा सा और पीछे करें, जरा फ्रंट पे आ जाए ना हमारा वॉच। अब सही है, अब बिल्कुल परफेक्ट है इसका इमेज जी, क्योंकि अब ये हमें पूरा नजर आ रहा है। पहले ये था कि हम उसको फिक्सिंग कर रहे थे तो तब और अब हम इसका पूरा इमेज देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये चीज लग रही है। आप इसको कहीं भी रख सकते हो, अपने किचन में, अपने डाइनिंग टेबल पे, ओपन एरिया जो किचन होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा लगता है। किचन की बड़ी प्यारी अरेंजमेंट्स होती हैं उसमें, आप नकली जो मिलते हैं ना एप्पल्स वगैरह वो लगा सकते हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं, ट्रस्ट मी। हाँ जी, तो आप हमें सिखाइएगा, वो मेरे पास है वो चीजें ना, वो हम किचन में कैसे डिकोर कर सकते हैं, बिकॉज सारा दिन जो हमारा होता है वो मेन किचन का होता है फोकस। इस्लामाबाद में एक जगह है चाइना मार्केट, दे सेल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत खूबसूरत चाइनीज फ्लावर्स आते हैं, सिर्फ फ्लावर्स आते हैं, और ना बड़ी खूबसूरत ये आर्टिफिशियल अनियंस होते हैं, एप्पल्स होते हैं, बिल्कुल। अच्छा वेरी चाइना मार्केट से आप हमें बताओ कि कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पे है ये? दिल्ली में है जहाँ, अच्छा सही, शहीद मिलत चौक के लाती है ना, लियाकत अली खान का जहाँ मर्डर हुआ था, जी जी बिल्कुल सही। और इकोनॉमिकल प्राइस से होते हैं कि अगर हमारे ऑडियंस से इसको विजिट करने के लिए, दे आर अफोर्डेबल ये सही. जो होते हैं ना दे वेरी अफोर्डेबल, सही हो गया। और क्योंकि आपने इनको 6 मंथ्स में भी यूज करना होता है, उसके बाद आपने फेंक देना, आपको दिल को खराब भी नहीं होता, बिल्कुल सही। जो हम रियल फ्लावर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, रियल फ्लावर्स are very expensive, और जब सीजन होता है तो even roses are very expensive। सही। अच्छा जी, ये लोग कह रहे हैं कि yes, awesome collection of decorative material in China market। तो आप ये जो सांबर बेस्ड है या पिंडी बेस्ड है वो तो उनकी अप्रोच में है, ठीक है। तो डू कम ऑन द बोर्ड एंड शो योर स्किल्स, मैं फिर वही कहूंगी कि जिसके पास जॉन सा भी स्किल है वो यहाँ पे आए, अपने सेगमेंट स्टार्ट किया है उसको शो करें, and it's good opportunity to learn from each other। ठीक है, हमारा जो निषाद का वो चल रहा था ना राइजिंग अप वाला कैंपेन भी पिछले दिनों चल रहा था, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि आप एक दूसरे को सिखा रहे हो इसी तरह से। अच्छा, उसको मैं बस फिलअप जल्दी से तो बस आपने इस तरह फिलअप करना है कि ना पीछे अगर किसी की नजर भी पड़े ना तो उसको बुरा ना लगे। यू डोंट हैव टू डेकोरेट इट मच, क्योंकि आपका जो फ्रंट है ना वो व्यू में आपको भी फ्रंट से, बस वी आर गोइंग टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग द फ्रंट ऑफ इट। मैं जरा बैक को थोड़ा सा अब देखिए आपको भी दिखाती हूँ। वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, इसको ये है अगर किसी ने फूड ब्लॉगिंग जो करते हैं ये उनके लिए भी बहुत मजे का है कि आप इसके आगे कोई डिश रख दें, क्योंकि होलो स्पेस को देख के मेरे दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ ओके, ये देखिए बस यहाँ ना मैंने सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा ग्रीनरी डाली है, ग्रीनरी मेक्स इट लुक वेरी ब्यूटीफुल, और पीछे से भी जब पीक थ्रू करते हैं ना ये बहुत प्यारे लगेंगे। अच्छा, अब नाउ इट इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट, बट आई डू आई इसमें थोड़ा सा बैठी है व्हाइट वाले जो मेरे लाइंस है ना उनको थोड़ा सा रिपीट करूंगी, इसको बहुत सॉफ्ट टच करूंगी। ये है ये मेरी ये वाली जो स्टेम है ना, इस स्टेम के मैं छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी, सही। तो और ये बस बीच में हल्का सा इनको डालूंगी, दे विल गिव वेरी सॉफ्ट लुक। और जब आपके पास भी बेरीज होते हैं रियल लाइफ बेरीज वगैरह, ये बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट बनती है बेरीज की। सही।
इज कंप्लीट आपकी माशाल्लाह से। मुझे बहुत ज़्यादा फूल लगाने पसंद है क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं। आप कम भी फूल लगा सकते हैं, यू डोंट हैव टू यूज दोस इतने सारे। एज आई टोल्ड यू बिफोर के अब जो अरेंजमेंट ट्रेंड है उसके अंदर जी बहुत ही जबरदस्त। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब जिस लिहाज से भी आप जहां भी रखेंगे ये मतलब बहुत अच्छा लगेगा। सही। अच्छा अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितनी आई होगी अभी आपके इस अरेंजमेंट में, अगर आप हमें थोड़ा सा बताओ तो इस ये सारे वाला जो अरेंजमेंट। 300 से 1500 within 1500 at this time विदाउट वाज मेरा घर से निकला था, दिस इज नॉट अ वाज आई हैव इन्वेस्टेड। और मैं आपको ये कहूंगी कि वाजेस पुराने जमाने का होता था कि जितना अच्छा वाज है उसके लिहाज से आपकी हो, आप घर से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। सही परफेक्ट। थैंक यू सो मच इरम। अब थोड़ा सा कैमरा आप ऊपर कर लें फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि अभी हमें सिर्फ वॉइस नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन ऑन आवर बोट कैरी अम्मी, और आज का सेशन हमारा बहुत फ्रूटफुल था। मेरे ख्याल में जिस जिसने भी देखा होगा उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा, और नेक्स्ट जो भी इंशाल्लाह हम सेशन करेंगे आपके साथ वो फिर हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग ओवर हियर एंड गिव योर प्रेशियस टाइम। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। Thank you for having me here, and good night, goodbye, wonderful ladies. I'll see you soon. Okay, bye.